Come on, mom, मैं यूवी के साथ ही तो जा रहा हूं. Okay, promise. Bye. One problem solved. यूवी, isn't it strange? कुछ दिन पहले you couldn't even stand me. And now we're friends again. और हाँ, बस अब हम दोनों की शादी की बात रह गई है. Dear Sid, will you marry me, darling? Check. Hi, Varun. क्या हुआ, कुछ बुक ढूंढ रहे हो? हाँ. Hello, nerdy boy. How are you doing? Encyclopedia मेरे पॉकेट में है. चाहिए? My glasses. तुम्हें glasses? टूट जाएंगे, please. तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? तुम्हें तो सब कुछ by heart याद होगा. वापस हो प्लीज. क्या चाहिए? ग्लासेस या बुक? ग्लासेस या बुक? टेल मी, टेल मी क्विक. बाय द वे सिड, अगर मैं ये पेन के पढ़ना शुरू कर दूं, क्या पता मैं भी टॉपर बन जाऊं. व्हाट से यू? हां, टॉपर बन सकता हूं मैं. स्पेशल पावर्स इन द ग्लासेस हैं. बट बाय द वे सिड, डोंट आई लुक काइंड ऑफ कूल इन दिस? हां. आओ, डैम इट, अब तक तो कूल दिख रहे हो, इसके बाद दिखना बंद हो जाएगा. एंड इफ आई एवर सी यू ट्रबलिंग हिम अगेन, trust me, this was just a trailer. Both of you. Come, Varun, let's go. इसका स्क्रू कुछ ज़्यादा ही ढीला हो गया है. टाइट करना पड़ेगा. कह रहे, चल. मॉम, आप यहाँ? कुछ बात करनी थी तुमसे. हाँ जी. हेलो बेटा, सब ठीक तो है? Yeah. हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं. सर, one second. Sure. See you. क्या है मॉम? हम रूम में चले. चलिए. यहाँ ठीक रहेगा. आशी, हम यहाँ क्यों आए? क्या बात है? जनरली हम एक बड़ा सा बॉम्ब बनाएंगे और इस स्कूल को उड़ा देंगे. क्या? हे भग्गू, कोई इसका कुछ करे. तुम कितने स्लो हो. मुझे बस अकेले में तुमसे कुछ बात करनी थी. क्या बात? यही कि तुम बिना बात में सालों से इतना स्ट्रेस ले रहे हो. ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे भैया का एक्सीडेंट इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने ड्रग्स लिए हुए थे. ड्रग्स? उन्हें कोई होश ही नहीं था. ड्रग्स? वरुण, वरुण क्या हो रहा है? वरुण, तुम्हें वरुण, वरुण प्लीज मुझे मारो, मुझ पर चिल्लाओ, पर चोक मत हो. वरुण, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? वरुण, वरुण, गॉड, मैं तो सिर्फ तुम्हें हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ. वरुण, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? वरुण, 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 कह रहा वरुण, ये लो. Drink this, you'll feel better. Tumhari problem kuch aur hai. All these attacks are just an outlet. Tumhe kaise pata chala bhaiya ke bare mein? Sahil se. Use sab kuch pata hai. Jhoote hai sab. Bhaiya to all-rounder the. Sports, studies, activities, har cheez mein. Wo to leader the. वो ये सब नहीं कर सकते. वो मेरी तरह यूज़लेस नहीं थे. कभी नहीं. नेवर. वरुण, रिलैक्स. काव्या, सिट डाउन, रिलैक्स. ये पॉसिबल है. कई ड्रग्स ऐसे होते हैं जो एनर्जी बूस्ट करने के लिए लिए जाते हैं. मे बी उनके सहारे तुम्हारे भैया इतने बड़े हीरो थे. तो मॉम मुझसे इतना नफरत क्यों करती है? उन्हें तो पता होता. तुम्हारी मामा वेबर से बहुत प्यार करती थी. Maybe वो उसकी डेथ नहीं भूलना चाहती या कुछ भी. यार, रीजंस तो बहुत हो सकते हैं. बट आई थिंक यू रियली नीड टू टॉक टू योर मदर. नहीं, कोई जरूरत नहीं है. कोई फायदा नहीं होगा. जरूरत है. जस्ट सी, अब तक तो तुम ठीक ठाक बात कर रहे थे. ये टॉपिक शुरू होते ही तुम्हारी स्टैमरिंग भी शुरू हो गई. मैं तो हमेशा ऐसे ही बात करता हूँ. प्रॉब्लम का जड़ कुछ और है और जब तक तुम उसे टैकल नहीं करोगे ना, कुछ नहीं होगा. एंड आई थिंक योर मदर शुड नो कि वैभव की डेथ में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी.
हमारे घर में इस बारे में अब कोई बात नहीं करता। It's too late now. वरुण, she's your mother. और तुम्हारे भैया की भी। She needs to know the facts. मैं मॉम के सामने जाऊंगा तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। स्पेशली जब उन्हें इस बारे में बताऊंगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा उन्हें। तुम्हें पता है मेरी मामा का फेवरेट सॉन्ग क्या है? Give me some truth, John Lennon का। काफी पुराना है, तुमने सुना है क्या? It says that everybody needs the truth. तुम्हें पता है ये गाना इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि सच कभी नहीं बदलता। It never goes out of fashion. इनकी तो आदत है हर चीज को अपनी राजनीति में तोलने की। कह रहे थे अभी डिवोर्स नहीं होगा, इलेक्शन के बाद होगा। मुझे तो लग रहा था कि वो मुझे रोकेंगे, मेरी परवाह है उन्हें, पर नहीं, मेरी कोई परवाह नहीं है उन्हें। उन्हें तो डर लग रहा था इलेक्शन के बीच की बदनामी का। युवी, युवी, उस घर में अब मैं एक पल भी नहीं रहना चाहती, एक पल भी नहीं। पर पता नहीं कुछ डर सा लगता है तुम्हारे डैड से। मॉम, आपको डर लगता है? बेटा, बेटा डरते तो हम सभी हैं उनसे, है ना? इस तरह घुट घुट कर जीने का क्या फायदा? आधी जिंदगी तो बीत गई, गुजर गई, पर अब नहीं बेटा। मॉम, I've never ever seen you like this before. आप तो डैड को कुछ बोलती भी नहीं। I'm so proud of you, mom. I'm so happy. तुम तो खुश हो बेटा, पर वो नाराज हो जाएंगे। उन्हें अपने आगे आवाज उठाने वालों की आदत नहीं है। युवी, मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। मॉम, मैं हमेशा आपके साथ ही हूँ। यही तो मैं नहीं चाहती बेटा। बेटा, मैं ये चाहती हूँ कि हमारे डिवोर्स के बाद भी तुम अपने डैड के साथ रहोगे। हम कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा कभी नहीं होगा। युवी, तुम समझने की कोशिश करो। तुम तुम्हारे डैडी के साथ रहो, नहीं तो पता नहीं वो क्या कर बैठे। ऐसा कभी नहीं होगा मॉम, मैं डैड के साथ कभी नहीं रहूंगा। It will never happen. बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारे डैडी बहुत जिद्दी है, उन्हें हमेशा जीतने की आदत है। लेकिन इस बार मॉम, वो हारेंगे। दोनों मिलके उनका सामना करेंगे मॉम। और मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था मॉम कि मैं आपके साथ ही रहूंगा। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता मॉम। नो, आई विल स्टे विद यू एंड दैट इज फाइनल मामा। हाय गाइस, वेरी गुड। मुझे डर लग रहा है। वृंदा, तुम्हें मेरे पे विश्वास तो है ना? तो स्ट्रेस लेना बंद करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्ट्रेस तो शायद मेरे हाथ पे लिखा है, और वैसे भी मैं आशी और टिया वाली बात को लेके ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हूँ। तो मेरी एक बात मानोगी? उनसे सब कुछ सच कह दो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। बाद में जो होगा उसी का तो डर है। हो सकता है उनका पहला रिएक्शन कुछ नेगेटिव हो, लेकिन बाद में वो लोग खुद तुम्हारे पास चलकर आएंगे थैंक्स करने के लिए, जब उन्हें पता चलेगा कि उन लोगों के लिए तुमने कितनी बड़ी बात कही है। शायद तुम ठीक कह रहे हो। आई फील सो स्ट्रांग। Thank you so much, Aman. Thank you. Strength तो तुम्हारे अंदर है, मैं तो बस उसे बाहर लाने की कोशिश कर रहा हूँ. That's it. Thanks, Aman. Without you, I'm lost. Let's go. क्या होगा इस स्कूल के डिसिप्लिन का अगर स्कूल के सबसे सीधे स्टूडेंट्स ऐसा कर रहे हो? शर्म आ रही है मुझे. अगर तुम दोनों की खास बात खत्म ना हुई हो तो स्कूल बंद करवा दो मिस्टर अमन। हाय हाय,
लैटी, तुम ऐसे ज्यादा अच्छी लगती हो और ऐसे तो हॉट स्टफ नंबर वन। स्टॉप दिस नॉनसेंस, वापस दो मुझे। क्यों सिंड्रेला, पार्टी के लिए गियर अप नहीं करोगी? साहिल कट इट आउट, वापस दो साहिल। सोनिया तुम अगर इसी तरह मुंह लटका के बैठी रही ना तो फिर हो चुकी आज की शूटिंग। तुम भी ना इतनी जल्दी घसीट के लाने की क्या जरूरत थी? अब बैठो यहाँ और करो सबका इंतजार। कुकी मैं पहले से ही पागल हो जा रही हूँ और तुम एकदम यूजलेस हो। आई हैड टू गेट आउट। पता है मामा ने वॉइसमेल पे क्या मैसेज छोड़ा है? मैं रात को बाहर जा रही हूँ और घर पे मेरा इंतजार मत करना। व्हाट डज शी मीन? कुछ नहीं सोनिया, मैं तुम्हें कितनी बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आशिया बड़ी हो चुकी है, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है, तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती? अब बस लिख कर देना बाकी रह गया। क्योंकि शराब, अगर तुम्हें कुछ पता ना हो ना तो ये मुंह मत खोला करो। मुझे पता है वो जरूर कुछ गलत काम करके ही रहेगी। सोनिया तुम अगर उसे रोकना भी चाहोगी ना तो नहीं रोक सकती हो। शी इज अ न्यू जनरेशन वॉर टैंक। Got it. मैं आशीष को फोन कर देती हूँ, वो उसे पनिश करने के लिए कोई ना कोई रीजन ढूंढ ही लेगा। जब वीकेंड पर बाहर ही नहीं जाएगी तो फिर गलती कहाँ से करेगी? सोनिया कंट्रोल, तुम ऐसा कुछ मत करना। आशी को तुम्हारा इंटरफेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है करने दो से गलतियाँ, टाइम के साथ सब सीख जाएगी। कहना आसान है, करने दो से गलतियाँ। और वैसे भी ये गलती में उसे 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 सीखने के लिए कुछ नहीं है। क्यों क्यों हम लड़कियां इतनी स्टूपिड होती हैं? सोनिया स्टूपिड नहीं सेंसिटिव होते हैं। दहा सेंसिटिव माय फुट। ये मुझे क्या हो गया? मैं क्यों मामा की तरह बोल रही हूँ? और हम यहाँ इतनी जल्दी आकर क्या कर रहे हैं कुकी? वाओ एग्जैक्टली 3 मिनट पहले मैंने तुमसे यही सवाल पूछा था, अब बजी घंटी। क्योंकि अगर तुमने मुझे तंग करना बंद नहीं किया ना तो 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 अगले महीने मैं तुम्हारी पगार नहीं दूंगी। नाउ शट अप, शू, सोचने दो मुझे। क्या करूं मैं? वो लाइव स्टडी है ना, मैं वहां जाऊं क्या मजा आएगा धमाल। ए खबरदार, वहां जाना क्या तुम्हें देखना भी अलाउड नहीं है, सिर फट जाएगा अगर गिर गए वहां से तो। वो कोई खेल नहीं है समझे? यस सोनिया मैं कुछ कर सकती हूँ। हाय कहीं जा रही हो क्या? या बेब्स सडनली प्लान बन गया है, आई एम गोइंग फॉर अ मूवी। वाओ किसके साथ? एक सीनियर, तुम नहीं जानती उसे, बट इट्स क्वाइट अ हंका। ऐसे कैसे हो सकता है, मैं सबको जानती हूँ। वो नया आया है, कोई नहीं जानता उसे, इज माई फाइंड। कौन है? Hey girls, टिया कहाँ है? फर्स्टली तुम्हें यहाँ आने की परमिशन किसने दी और सेकेंडली तुम्हें टिया से क्या काम है? बहुत इंपॉर्टेंट काम है, उसे एक टॉप सीक्रेट बात बतानी है। अब नकुल का टाइम वेस्ट मत करो गर्ल्स, बताओ टिया कहाँ है? शॉपिंग के लिए गई है। हैप्पी? कूल। बैठो बैठो यहाँ। एक मिनट, अभी शॉट में मुझे भी तुम्हारे साथ नचाएगी क्या? अब उन बोला तुम मेरी लल्ला। शट अप, बिल्कुल चुप, और ये अपनी नौटंकी करनी बंद करो समझे। तुम मेरी हेल्प करोगे, आशी को किसी लड़के से बचाने में, विल यू हेल्प मी लियो? ओके आंटी। हाउ स्वीट यू आर लियो। सोनिया ये तुम क्या कर रही हो? कुकी जस्ट शट अप, और तुम जाओ जाकर 2-3 घंटे सो जाओ, कम ऑन गो। सोनिया ये जो तुम कर रही हो ना टांग अड़ाने का काम, आशी को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। मैंने कहा ना तुम जाओ, मुझे लगता है तुम्हारे कानपुर में हड़ताल है, घंटी सुनाई नहीं दे रही है। हिलना नहीं। यस। सोनिया क्या है कुकी? फ्लावर्स फॉर यू एज यूजुअल। किसने भेजे? आपने मेरी बेटी की हेल्प की, उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
सुमित आहूजा. हाउ स्वीट. सुमित आहूजा, बुलाओ उस डिलीवरी बॉय को, अभी बुलाओ और वापस भेजो इसे, वापस भेजो इसे. सोनिया इट बी टू रूड, मैं इसे अपने घर ले जाती हूं. मैंने कहा ना वापस भेजो, वापस भेजो अभी, नाउ. ओके. Just had a feeling it was MP, जिम चलो क्विक. अभी मैच के फाइनल 10 ओवर बाकी है, अब मुझे यहाँ से कोई नहीं हिला सकता. मैंने अभी वरुण से बात की है, आज रात उसे अकेला नहीं छोड़ सकते, तुम्हें उसके साथ रहना पड़ेगा. यू हैव टू. व्हाई डोंट यू स्टे विद हिम? क्योंकि मेरी एक स्पेशल डेट है और मैं अभी से लेट हो गई हूँ और अभी मुझे तैयार भी होना है. कम ऑन MP, क्विक. फ्लिप गया ना मैच पानी में. गर्ल्स प्लीज एंजॉय द मैच. फाइनल्स के लिए तो मैं स्टेडियम जरूर जाऊंगी. नकुल डूड, व्हाट आर यू डूइंग हियर? मैं कब से तेरा बाहर वेट कर रहा हूं. चल अब कम ऑन. यू कैरी ऑन पेल, मैं तुझे बाद में ज्वाइन कर लूंगा. आई एम वेटिंग फॉर टिया, वो शॉपिंग के लिए गई है. नकुल लिसन टू मी केयरफुली, आर यू स्टूपिड और आर यू जस्ट प्लेन डम? जितना टाइम और एफर्ट तूने टिया पे लगाया ना, अगर उतना ही टाइम और एफर्ट किसी और लड़की पे लगाएगा तो नकुल डूड, यू हैव अ लॉट ऑफ गर्लफ्रेंड्स बाय नाउ. व्हाट्स रॉन्ग विद यू मैन? यू डोंट अंडरस्टैंड यार, मुझे पता चल गया है उस रोमियो साहिल की दूसरी जूलियट कौन है, और ये बात मैं टिया को बताने वाला हूँ. इज़ इट फैंटास्टिक? कौन है वो लेडी? हु एल्स? लतिका? यस. ओके. वो सब तो रुकते ही नहीं थे, कंप्लीट मैडनेस. आई मीन दिस थिंग एंड दैट थिंग, इट वाज फनी, इट वाज रियली फनी. हे गर्ल्स, गाइस, व्हाट आर यू गाइस डूइंग हियर? डोंट यू नो बाहर सोनिया रे आई है? नॉट सो इजी बेब्स, मैं तुम्हें उस दिन की बियर्स के लिए अच्छी तरह थैंक करना भूल गया. नॉनसेंस, अगर तुम्हें पचती नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मेरा हाथ छोड़ो. बेब्स, तुम उस साइडी स्पोर्ट्समैन साहिल को कब डेट करना छोड़ोगी? तुमने फिर से पी रखी है क्या? पूरे सेंसेस में हूँ इसलिए तुम्हें ये बात बता रहा हूँ, साहिल किसी और लड़की को भी डेट कर रहा है. कर रहा है तो गुड फॉर हिम, मुझे इससे क्या? तुम आज रात को उसके साथ डेट पे जा रही हो राइट? तो मुझे लगा ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे मतलब की होगी. दिमाग का इलाज करा, मैं अपने दादी को मिलने जा रही हूँ और मेरा उसके साथ कोई सीन नहीं है. नकुल यू डिम्बिट. बेब्स, तुम्हें ऐसे अकेले छोड़ के जा रहा? आई डोंट वांट टू बट आई हैव टू यू नो. एनीवेज टिया भी थोड़ी देर में वापस आ जाएगी. चिल बेब्स, तुम जाओ, मैं तुम्हें गेट तक छोड़ के आती हूँ. नहीं नहीं नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी. ओके, यू रिलैक्स. Bye girls, have a nice weekend. Gloria, एक मिनट रुको. What is it, Priyanka? Gloria, 12th standard का कोई student school में है? कोई नया student? 12? I don't think so. 12th standard में तो कोई नया student नहीं है. Are you sure? I think मैंने एक fresher को देखा था. No way, वो कोई और class में होगा Priyanka. 12th में definitely not. Okay. Okay. Bye. Bye. भगू, मैं सही कर रही हूँ कि गलत, मुझे खुद पता नहीं. या आशी, मैं हूँ वृंदा, अभी नहीं. बट आशी, तुमसे कोई बात करनी थी. यू हैव टू नो दिस. चलो ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे.
सॉरी वृंदा, मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ, तुम्हारी कंफ्यूजन कैसे क्लियर करूँ?